थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे साथ हम सुमीन और इनको हम लोग कमी आंटी के रूप में भी जानते हैं। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपकी जितनी वीडियोस मैंने कल देखे हैं उसमें आप बहू की बुराइयां करते हो, बताते हो बहू की बुराई करने में सास को कितना मजा आता है। वेल आई थिंक सो, कोई भी सास अपनी बहू की बुराई करना नहीं चाहती है, बट कई बार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं और ख़ासकर पंजाबी जो सास होती है वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करती है अपनी बहू से, तो चाहते ना चाहते हो बेचारी उसकी बुराई करने लग जाए। जो जो उसके साथ हुआ है वो अब अपने आगे ट्रांसफर कर रही है। अभिनेता भी हैं, सिंगर भी हैं और मम्मी आंटी, तीनों किरदार में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है? अभिनेता, बिकॉज अभिनेता हूँ तभी मैं पम्मी आंटी कर पाता हूँ। अच्छा अभिनेता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी किरदार, फॉर मी पम्मी आंटी इज़ ए किरदार, अगर मैं वो किरदार निभा रहा हूँ वो इतना अच्छा है कि सब लोग इतना प्यार देते हैं, तो आई थिंक सो अभिनेता होना में सबसे ज़्यादा मुझे मजा आता है। पम्मी आंटी बनने का आइडिया कहाँ से मिला? बहुत रैंडमली मैंने टीवी का शो छोड़ दिया था और एक साल मैं घर पर बैठा था शांति से कि कुछ अच्छा हो, एंड एक आधा दिन मैंने ऐसे ही बहुत लाइनें रिकॉर्ड करके फेसबुक और इस सब पे डालना शुरू किया एंड वो हिट हो गई, वायरल हो गई, एंड हेंस पम्मी आंटी अनएक्सपेक्टेडली इतनी हिट। आपकी असल जिंदगी में सरला बहन जी कौन है? मेरी जिंदगी में सरला बहन जी आई थिंक सो मेरी को एक्ट्रेस जयती भाटिया, जिनके साथ मैंने ससुराल सिमर का किया था, वो है। मेरी मम्मी भी मेरे लिए सरला ही है, कभी कभी उनके साथ भी बैठ के गॉसिप करते हैं। आपकी मम्मी करती है आपकी बहू की? मेरी शादी नहीं हुई, मेरी मम्मी बहुत सुखी है, मैंने अभी तक शादी करी नहीं है। मम्मी कहती है कि बच गई नहीं तो अगर तेरी शादी हुई हो तो मेरे से ज्यादा तू अपनी वाइफ की बुराई कर। बट दैट्स हाउ इट इज। यस, अभी मैंने देखा कि आपको कोई नया सॉन्ग राम जी के ऊपर आ रहा है, राम भगवान, इसके बारे में सर आपको बताइए। वेल बचपन से मैं सिंगर पहले बनना चाहता था, सो वंस नाउ आई वॉज फेमस, मैंने सोचा क्यों ना वो बोले एक पैशन को भी पूरा किया जाए, इसलिए दो साल पहले मैंने दुर्गा जी का भजन रिलीज़ किया, फिर पिछले साल काली जी का, एंड नाउ रामनवमी आ रही, तो बाकी सारे सिंगर्स के साथ अखिल सचदेवा, भूमि त्रिवेदी, आकृति कक्कर, संदीप, इन सब के साथ मैंने उनको कोलाबरेट किया। गृह लक्ष्मी को क्या संदेश दूंगा? आई थिंक सो आप अपने पैशन को फॉलो करें, दुनिया ने बहुत कुछ कहना होता कहती है, बट आई थिंक सो एक इंडिविजुअल, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, मैं उनमें फ़र्क नहीं देखता, आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं ड्राइंग करें, कुछ अपने लिए भी करिए। हम लोग अक्सर क्या होता है ज़िंदगी फैमिलीज़ के लिए बिता देते हैं, वो क्या कहेगा, या इसको खुश रखना, अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। सो आई ऑलवेज से अपने बारे में भी सोचें और जो आपका दिल करे सच्चे दिल से करें, एंड बैलेंस कर सके तो बहुत बढ़िया। और सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे सास बहू का? आप तो बहुत वीडियोस बनाते हो मम्मी आंटी के लिए, क्या देंगे सास बहू? एक टिप्स बताइए। एक सास अच्छी माँ भी बन सकती है, अच्छी बहन भी बन सकती है, अच्छी फ्रेंड भी बन सकती है, बट अगेन सास की तरफ से भी पहल होती है और बहू की तरफ से भी। अनफॉर्चुनेटली हमारे शोज के अंदर एक सास बहू का रिलेशन ऐसा दिखाया जाता है, साइकोलॉजिकली हम डर जाते हैं कि वो सास कैसी होगी, बट आई थिंक सो कहीं जगह पे बहुत सुंदर रिलेशंस भी हैं, तो अगर बैलेंस बनाकर चले तो सारे रिलेशंस अच्छी तरह निभ सकते हैं। एक इज्जत, एक प्यार, एक विश्वास की जरूरत है। ये थे हमारे साथ सुनील ऑफिसर, और आप लोग से ज़्यादा आपको मम्मी आंटी के रूप में फेमस। थैंक यू सर हमारे साथ। थैंक यू सो मच।